हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन क्रीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 23 और 24 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन कर लेते हैं, तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हर साल दिसंबर 20 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 2020 में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित जो है किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म पे CHIRAAG चिराग के नाम से भी जानते हैं, के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति की गई है। तो दोस्तों ये जो विश्व बैंक द्वारा राशि जो स्वीकृति की गई थी वो $100 मिलियन की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रवक्ता MG वैद्य, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस जो है विषय के अनुभवी विद्वान थे, तो वो संस्कृत विषय के अनुभवी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र यानी कि CUE सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है किया गया है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य में DRDO की 19 हाइपरसोनिक वन टनल ठीक है परीक्षण सुविधा का उद्घाटन जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक, तो ये तेलंगाना राज्य में हाइपरसोनिक टनल का उद्घाटन किया गया है, और ऐसा हाइपरसोनिक टनल बनाने वाला जो भारत है वो तीसरा देश बन गया है अमेरिका और रूस के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वॉरसेट जो है शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है ये अभियान। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक का कौन सा संस्करण जो है समाप्त किया गया है, तो वो है 20वां संस्करण था इस बैठक का। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि भारत 2012 से किस दिन हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। ठीक है, इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर सिंस 2012 ऑन विच डेट। ठीक है, तो भारत जो है हर साल दिसंबर 22 तारीख को ये दिवस मनाता है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाता है। गणित जो है गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष राष्ट्र का इनका 133वां जयंती है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल फार्मर डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे। ठीक है, तो दोस्तों नेशनल फार्मर डे यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद रखा जा सके। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन ये जो ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उन्होंने किसान हितैषी नीतियों को लाया और किसानों के कल्याण के लिए काम जो किया था। ठीक है, वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और 28 जुलाई 1969 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा उन्होंने की थी। ठीक है, और उन्हीं की जयंती के रूप में ये फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की गतका जो खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों में से एक है का जो उद्गम है वो किस राज्य से हुआ है, मतलब उससे किस राज्य से स्टार्ट किया, ओरिजिन उसकी किस राज्य से हुई है। ठीक है, तो जो गटका जो खेल है दोस्तों ये पंजाब राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पंजाब राज्य में इसकी ओरिजिन हुआ था, और डिटेल देख लेते इससे पूरी जानकारी के लिए कौन से 4 जो नए गेम हैं जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में जिनका जो हासिल किया जा रहा है। ठीक है, तो खेल मंत्रालय ने 4 स्वदेशी खेलों को शामिल जो है किया है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का हिस्सा जो है बनेंगे। ठीक है, जो हरियाणा में आयोजित होने वाला है। ठीक है, 4 नए खेल जो हैं उनका नाम है गटका, ठीक है, कलार पटट, थांगता और मलखम्बा। ठीक है, जो कि जिसमें तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 4 चयनित खेल देशों के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधित्व करते हैं और खेल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मदद में राष्ट्रीय मान्यता को प्राप्त भी करेंगे। ठीक, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कोलोनो बॉक्सिंग विश्व कप में महिला वर्ग में निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर्ण पदक जीता है, किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वन गोल्ड इन द वुमेन्स कैटेगरी एट
कोलंग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बॉक्सिंग जीता गया है मानसी मोन और सिमरजीत कौर दोनों के द्वारा जीता गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय मुक्केबाजी में जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 जो है सिल्वर, यानी कांस्य सहित कुल 9 पदक भारत ने हासिल किए हैं, ठीक है। इन 9 पदकों के साथ जो है भारत दूसरे स्थान पर था, वहीं जर्मनी जो है 16 पदकों के साथ पहले स्थान पर था, ठीक है। और इस कोरोना बॉक्सिंग वर्ल्ड 2020 की जो मेज़बानी किया गया था वो यूरोपीय बॉक्सिंग फेडरेशन ने की थी, ठीक है। तो जो स्वर्ण पदक जीता है वो भारत ने के लिए 3 स्वर्ण पदक अमित पंघाल, मनीष रमैन और सिमरनजीत कौर ने अपने अपने श्रेणियों में हासिल किया है। वहीं बात करें रजत पदक की तो साक्षी चौधरी और सतीश कुमार ने रजत पदक जीता है, ठीक है। बात करें अगर सिल्वर यानी कांस्य पदक की तो सोनिया लाठेर, पूरी रानी, गौरव सोलंकी और मोहम्मद हसमुद्दीन ने अपने अपने वर्ग में यह जो कांस्य पदक हासिल किया है, और भारत ने टोटल 9 पदक जो है हासिल किए हैं इस कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में, ठीक है। बात करते कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ की स्थापना हुई थी सन 2009 में, इसके अध्यक्ष है फ्रैंको फाल्सिनाली और इसका जो मुख्यालय वो है एसीसी इटली में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, कि इंडियन बैंक का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के साथ मिलकर रुपए सेलेक्ट नाम का एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का एक अनूठा संस्करण लॉन्च किया है। नेम द इंडियन बैंक विच लॉन्च अ यूनिक वेरिएंट ऑफ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड अंडर द नेम रुपए सेलेक्ट इन एसोसिएशन विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसका फुल फॉर्म है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दोस्तों ये जो NPCI के साथ मिल करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये रुपए सेलेक्ट कार्ड लॉन्च किया है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए सेलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का अनूठा संस्करण जो है लॉन्च किया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड धारक गोल्फ को रास्ता में मानक साध्यता और रियायती पहुंच के लाभ जो उठा सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा कार्ड धारक इस राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता डेबिट कार्ड के साथ रियायती स्वास्थ्य जाँच को भी हदगार रहेंगे, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं वेलनेस एट होम, फिटनेस, हेल्थ चेकअप, गोल्फ एंड लॉन्च एक्सेस, ये आपको मिलेगा इस कार्ड के साथ, ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD और CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो दिलीप SB उनका नाम है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सन 2008 को, ठीक है। बात करें CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की तो वो मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो CEO है उनका नाम है पल्लव महापात्रा और इस बैंक की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर सन 1911 को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, भारत और वियतनाम ने आभासी शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान कितने जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इंडिया एंड वियतनाम हैज साइंड हाउ मेनी एग्रीमेंट ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इन 2020, ठीक है। दोस्तों वियतनाम और भारत के बीच में समझौता जो शिखर सम्मेलन हुआ था उन्होंने उसमें 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फिंच ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम वर्चुअल समिट का जो है संबोधित किया था, ठीक है। दोनों नेताओं एक दूसरे के राष्ट्र विकास प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक शांतिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित, मुक्त, खुला, समावेशी और नियमों पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र का साझा उद्देश्य दिशा के साथ जो है काम करने के लिए सहमत हुए हैं, ठीक है। भारत और वियतनाम ने रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो रसायन और कैंसर उपचार जैसे क्षेत्रों में आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर जो है किया था, ठीक है। किस किस पर? रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो रसायन और कैंसर उपचार जैसे आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान जो है इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, 21 केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को सेहत स्वास्थ्य बीमा जो है शुरू करेंगे, ठीक है। इन विच यूनियन टेरिटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑन 26 दिसंबर, ठीक। तो दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया जाने वाला है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा का जो शुभारंभ करेंगे, कब करेंगे, 26 दिसंबर को यह शुभारंभ होगा, ठीक है। यह योजना शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगा जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं है, ठीक है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना यानी PMJY के तहत पात्र
लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर के तहत जो है कवर देता है, ठीक है। पीएमजीवाई योजना के तहत 30 लाख लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को सेहत योजना का शुभारंभ के साथ जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने वाले देश का जो पहला स्थान पर होगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निर्णय जो है लिया है। उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 1 साल के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों पर फैसला करेगा, जो भारत के स्वतंत्र संग्राम में नेताओं द्वारा किए गए योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के आभार के रूप में होगा, ठीक है। इस उच्च स्तरीय संस्मरण समिति के अन्य सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य और साथ ही साथ हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, ONGC ने अपना नया तेल उत्पादन क्षेत्र द बंगाल बेसिन जो है लॉन्च किया है। यह भारत का कौन सा उत्पादक बेसिन, कितना कौन से नंबर का उत्पादक जो है बेसिन बन गया है, ठीक है। ONGC के द्वारा ये 8वां जो है प्रोडक्शन बेसिन जो है भारत में बनाया गया है। इसके डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व तेल और प्राकृतिक गैस ONGC के पास है। यह ONGC द्वारा भारत के 8 उत्पादक बेसिन हैं। बाकी जो 7 ONGC के जो बेसिन है वो कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम सेलफ, राजस्थान कावेरी, असम अराकन, फोल्ड बेल्ट और कांबे में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने 20 दिसंबर 2020 को राज्य के 24 परगना जिले में अशोकनगर 1 कुएं बंगाल बेसिन में कच्चे तेल का उत्पादन जो है शुरू किया है, ठीक है। तो ये जो बेसिन है दोस्तों, ये इस तरह की एक मशीन होती है जिसका हम तेल निकालने में इस्तेमाल करते हैं, और ONGC के द्वारा ये 8वां बेसिन जो है इंडिया में स्थापित किया गया है, ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और राज्यपाल है यहाँ के जगदीप धनखड़, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, किस वित्तीय संस्थान ने राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन का विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की, ठीक है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस टू प्रोवाइड ₹2100 करोड़ लोन टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड टूरिज्म इन द स्टेट, ठीक है। दोस्तों ये जो घोषणा की गई है 2100 करोड़ रुपये देने की, ये ADB बैंक के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्र और पर्यटन का विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपये देने की जो घोषणा की है, ठीक है। इस कुल 2100 करोड़ रुपये के फंड में 1600 करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए और 500 करोड़ रुपये पर्यटन क्षेत्र के लिए होगा। इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरें स्थानीय निकाय को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र में सभी पर्यटन स्थल, सड़कों पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो ADB के अध्यक्ष हैं मास्टर अस्कावा। इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। ADB की स्थापना हुई थी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 को, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहाँ पर स्थापित होगा, ठीक है। फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट जेंडर डेटा हब है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये इंडिया का पहला जेंडर हब केरला में स्थापित किया जा रहा है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। संयुक्त राष्ट्र की महिला और केरल सरकार ने भारत के लिए पहला लिंक डेटा हब की स्थापना के लिए सहयोग जो किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की उपस्थिति में इस संबंध को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है किया गया था। सहसंचालन के 3 प्रमुख क्षेत्र जैसे इस समझौता ज्ञापन से निर्दिष्ट किया गया है, जेंडर पार्क और जेंडर डेटा सेंटर की स्थापना होगी, ठीक है। लिंग समानता और पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक ढांचों में जुड़ावा बढ़ाना होगा, ठीक है, इनका काम। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी, और राज्यपाल का नाम है यहाँ का अरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारतीय नौसेनाओं और भारतीय तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत बैंक जो है वो खाता धारकों को सुविधाओं के मेजबान के साथ अनुकूलित सेवाएं जो है प्रदान करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर विच ऑफ द बैंक ऑफर कस्टमाइज सर्विस अलॉन्ग विद द होस्ट फैसिलिटी टू अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो
समझौता किया गया है। यह बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के बीच किया गया है, जिसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत जो है बैंक खाताधारकों को सुविधाओं के साथ अनुकूलित सेवाएं भी प्रदान करेगी। ठीक है, बैंकों ने बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के माध्यम से विशेष रूप से अनुकूलित बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने मौजूदा समझौते पर नवीनकृत जो है किया है। ठीक है, बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के तहत 8,200 से अधिक घरेलू शाखाओं और लगभग 20,000 व्यवसायिक संवाददाता टच पॉइंट के नेटवर्क के माध्यम से बैंक के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रदान जो है की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष उनका नाम है हसमुख अधिया और इसके जो CEO हैं बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के उनका नाम है संजीव चड्ढा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे एसोचैम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नियुक्ति की गई है विनीत अग्रवाल की नियुक्ति की गई है, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार जो है संभाला है। वो निरंजन हीरा नंदानी संस्थापक और MDO नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जगह जो है लेंगे। रेवन पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमित सिन्हा एसोचैम के नए जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है बने हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ पर नोट्स के। तो एसोचैम का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अंडमान और निकोबार के DGP के रूप में पदभार जो है संभाला है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एज्यूम्ड अंडमान एंड निकोबार DGP चार्ज। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार के DGP का जो चार्ज संभाला है वो सीनियर IPS ऑफिसर सत्येंद्र गर्ग जी ने संभाला है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के DGP का जो पदभार संभाला है। ठीक है, सत्येंद्र गर्ग जो है वो 1987 बैच के IPS अधिकारी थे और केंद्रीय गृह मंत्री में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त भी उनसे किया गया था। अब जो है उन्होंने अंडमान और निकोबार के DGP के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।